The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap dosto? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. दोस्तों हमने एक कंप्लीट ब्लड काउंट कंप्लीट हीमोग्राम पे वीडियो बनाया. हम आप सब जानते हैं सारे वीडियोस हमारे मेडिकल यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ऑथराइज्ड वेरीफाइड होते हैं, तो ये सारे वीडियो पे आप भरोसा कर सकते हैं. आप लोगों के डिमांड पे टेस्ट्स के रिजल्ट्स टेस्ट की सीरीज शुरू करी है और टेस्ट में अब हम आपको एक एक चीज़ जो एबनॉर्मल आती है उसका हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं वो समझाएंगे. तो पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स RBCs, हीमोग्लोबिन हिमाटोक्रिट. हमने आपको ऑलरेडी बताया रेड ब्लड सेल्स क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, हिमाटोक्रिट क्या है. हिमाटोक्रिट मतलब ब्लड के अंदर कितने परसेंट रेड ब्लड सेल्स है. सो अगर आपके रेड ब्लड सेल्स हाई आते हैं, हिमाटोक्रिट हाई आता है या हीमोग्लोबिन हाई आता है, उसका क्या मतलब होता है, राइट? अगर वो हाई आते हैं, अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि ये क्या है वो क्या है, तो आप CBC वाला हमारा वीडियो पहले देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा रेड ब्लड सेल, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, हिमाटोक्रिट, ये सब क्या होता है, फिर ये वीडियो देखिए. तो रेड ब्लड सेल्स हाई आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन हाई आ रहा है या हिमाटोक्रिट हाई आ रहा है, या तीनों हाई आ रहे हैं, या ये एक खाता चीज़ें हाई आ रही है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है. नंबर वन रीज़न, ये सारे खून के सेल्स हैं जो खून में रहते हैं और खून में ज़्यादातर पानी होता है, और पानी अगर कम हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, किसी कारण से पानी नहीं पी रहे हैं, पानी लूज हो रहा है, तो ये सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं. वेरी कॉमन रीज़न, लेकिन ये टेम्पररी है. डिहाइड्रेशन इज अ टेम्पररी रीज़न. इसमें क्या होता है, या तो सिवियर डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो रहा है, सिवियर स्वेटिंग हो रहा है, और सिवियर स्वेटिंग में क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग आ रहा है, पानी इलेक्ट्रोलाइट निकल रहे हैं, या आप कोई वाटर पिल ले रहे हैं, डायूरेटिक ले रहे हैं जिससे कि पानी निकल जाता है, चाहे आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हैं या वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, जिसमें आपको इलीगली लोग वेट लॉस बॉडी बिल्डिंग के लिए भी लेते हैं, तो इन सब कारणों से पानी निकल जाता है शरीर से ज़्यादा और आपको वाटर लॉस यानी डिहाइड्रेशन होता है. दूसरा जो मेन कारण है इसका, वो है ऑक्सीजन की कमी. अगर आपके शरीर में किसी भी कारण से ऑक्सीजन की कमी होने लगे, तो क्या होगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन कैरी करने वाले, शरीर क्या करेगा, ऑक्सीजन की कैरी करने वाले सब्सटेंस हीमोग्लोबिन RBCs को बढ़ा देगा, ताकि कम ऑक्सीजन ज़्यादा लोग लेके जा पाए, ज़्यादा लोग कम ऑक्सीजन, तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे तो सही सारे शरीर में. सो ऑक्सीजन की कमी कब होती है, सबसे कॉमन जो लोग हायर एल्टीट्यूड पर रहते हैं, हायर एल्टीट्यूड पर रहना वाले लोगों के ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है, तो उनका एक्लिमेटाइजेशन जो होता है वो इसी तरह से होता है कि उनका RBCs, हीमोग्लोबिन हिमाटोक्रिट बढ़ जाता है. दूसरा नंबर, अगर आपको लंबे समय में कोई भी लॉन्ग टर्म बीमारी है, लंबे ऑक्सीजन की कमी वाली, यानी फेफड़ों की बीमारी, की फेफड़े सही से आप काम नहीं कर रहे, तो ऑक्सीजन कम जाएगा, TB हो गया या COPD हो गया, अस्थमा हो गया, जो भी फेफड़े की बीमारी, या हार्ट की बीमारी में भी शरीर में ऑक्सीजन कम जाता है क्योंकि सप्लाई कम होता है, तो शरीर फिर से खून में RBCs, हीमोग्लोबिन और हीमाटोक्रिट ये बढ़ा देगा. सो हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, और लो ऑक्सीजन, हाई एल्टीट्यूड, और स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग भी आपके लंग को ख़राब करते हैं, और लंग से खून में ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए उससे कम जाता है, स्लोली कम होता जाता है, तो स्लोली आपकी बॉडी आपका RBCs, हीमोग्लोबिन बढ़ाती जाती है. इसलिए स्मोकर्स, जो लोग रेगुलर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या रेगुलर कम भी करते हैं, उनका धीरे धीरे हीमोग्लोबिन और धीरे धीरे RBCs बढ़ता जाएगा. और ये हुआ दूसरा बड़ा कारण, तीसरा बड़ा कारण स्मोकिंग. चौथा बड़ा कारण है आपकी किडनी. किडनी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन. इरिथ्रोपोएटिन का, इरिथ्रो मतलब RBCs है और पोएटिन का मतलब है, पोइसिस मतलब बनना, तो इरिथ्रोपोएटिन का मतलब है जो RBCs बनाता है. ये हार्मोन आपके बोन मैरो, जहां RBCs बनते हैं, जहां सारे ब्लड सेल्स बनके, उनको बोलती है और बनाओ, ये किडनी बनाती है. तो अगर कोई ऐसी किडनी की बीमारी है जिसमें कि इरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा आ रहा है, किडनी की बीमारी में कभी कभी इरिथ्रोपोएटिन बढ़ जाता है, और अगर किडनी डैमेज होने लगे तो इरिथ्रोपोएटिन कम हो जाता है. इसलिए CKD, कोरोनरी किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स को इरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शंस लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर नहीं बनता, लेकिन कुछ लोगों में किडनी की बीमारियों में इरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा बन सकता है, उस केस में आपके यही सेल्स ज़्यादा बनने लगेंगे. तो ये एक और कारण हुआ.
उसके अलावा एक कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया वेरा. पॉली मतलब ज्यादा, पॉली बहुत सारे, साइथीमिया मतलब सेल्स, सेल्स ज्यादा है, साइथीमिया, और वेरा इज ब्लड. सो ब्लड में सेल्स बहुत ज्यादा है. कौन से सेल्स? सारे सेल्स. तो उसमें क्या होगा, आरबीसीज भी ज्यादा, डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा, प्लेटलेट भी ज्यादा, सब ज्यादा, लेकिन आरबीसी बहुत ज्यादा. तो वो एक कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया वेरा. खून बहुत ही गाढ़ा, गाढ़ा खून जो है वो जेनेटिक कंडीशन है आपके शरीर में. जेनेटिक म्यूटेशन जैक टू जीन के म्यूटेशन से होती है, जो आपका शरीर में खून गाढ़ा कर देगी. खून गाढ़ा होगा तो छोटी छोटी नलियों में नहीं जा पाएगा, तो आपको हर एक छोटी छोटी नलियों वाले सिम्टम्स आएंगे बहुत सारे. वो अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर अलग से समझाएंगे, लेकिन वो एक कारण है. तो इस तरह मेन आपके पांच कारण होते हैं. सबसे कॉमन डिहाइड्रेशन, स्मोकिंग, थर्ड लो ऑक्सीजन लंग या हार्ट की बीमारी की वजह से, किडनी का इरेथ्रोपोएटिन, और पॉलीसाइथीमिया वगैरह. तो ये पांच मेन सबसे कॉमन कारण है हाई हीमोग्लोबिन, हाई आपके आरबीसीज या हीमेटोक्रेट हाई होने के. आई होप आपको समझ आई. अगली बार हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन आरबीसीज या हीमेटोक्रेट लो हो तो क्या क्या कारण होते हैं. इस वीडियो को शेयर जरूर करिए. खुद के डॉक्टर मत बनिए, ये आपके ज्ञान के लिए है, ये आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आपको भी समझ आए, आप भी अपने शरीर को सुधार सको. स्मोकिंग करते हैं तो बंद करो, डिहाइड्रेटेड हो पानी सही मात्रा में पियो, किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, इनके रेगुलर टेस्ट कराओ. इसलिए नॉलेज है, इसलिए नहीं कि आप खुद के इलाज करने लग जाओ तो फिर आप एक की जगह दूसरी की तीसरी बीमारी को डायग्नोस कर बैठोगे और अपने आप को बीमार करोगे. ठीक है दोस्तों, तो ये हुई बात इस टॉपिक की. देखते रहिए ये सीरीज, डॉक्टर परमजीत हेयर. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.